नमस्कार दोस्तों, तो फाइनली ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर स्टारर फिल्म फाइटर आ चुकी है 25 जनवरी को। और इस फिल्म के बारे में मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगा पहले कि यह फिल्म पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में रंगी हुई है। यहां पर सिर्फ देशभक्ति की बात है, बदले की बात है कि किस तरह से पाकिस्तान से बदला लिया गया था। पुलवामा जो अटैक हुआ था भारत में, जो एक दर्द है हमारा, उसका जवाब जो है किस तरह से दिया एयरफोर्स वालों ने एयर स्ट्राइक करके, और किस तरह से अपने दो जाबाज अफसरों को वहां से जो है बंदी बना लिया था पाकिस्तान ने, उसको किस तरह से लाया, ये जो कंटेंट है ये सभी जानते हैं हम। लेकिन इसको फिल्मी ड्रामा पहनाते हुए, इसकी स्क्रिप्टिंग करके एक नया तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है। तो सिद्धार्थ आनंद ने जो है कंटेंट बहुत अच्छा उठाया है, बढ़िया उठाया है, और सभी लोग इससे तुरंत से जुड़ जाएंगे। और फिर पाकिस्तान को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है, एयर स्ट्राइक को जो दिखाने का तरीका है पूरा, और 3D में फिल्म आई है तो मजा ही आ जाता है। तो आपको लगता है जैसे आप ही खुद फाइट कर रहे हैं, प्लेन चला रहे हैं, और इस तरह की चीजें आप देखते हैं और आपको अच्छा लगता है करती। हालांकि फिल्म बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है और बहुत ज्यादा चीजों को जानबूझ करके रखा गया है ताकि लोग जुड़े रहे। जैसे कि हर कैरेक्टर की अपनी अपनी एक बैक स्टोरी है जो चलती रहती है। दीपिका पादुकोण ने क्यों यह ज्वाइन किया, फिर इसने क्या किया, ऋतिक रोशन की एक बैक स्टोरी, उसके फियांसे की शहीद होने की कहानी, देन सबका एक एक मामला चलता रहता है जिससे कि फिल्म में एक इंटरेस्ट बना रहे। लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल लगता है। और यहां पर कंप्लीटली इस फिल्म को देशभक्ति वाली फिल्म बनाने की कोशिश की गई है, यानी कि देशभक्ति ऑन दुश्मन गॉन। तो यह फिल्म आप देख सकते हैं, यहां पर अनिल कपूर का काम आपको बहुत ही जबरदस्त लगने वाला है। साथ साथ ग्रीक गॉड माने जाने वाले ऋतिक रोशन, उन्होंने क्या ही मतलब एटीट्यूड, क्या ही स्वैग है उसका, तो वो अच्छा लगने वाला है। ऋतिक रोशन के अलावा जो है दीपिका पादुकोण जो है वो ग्लैमरस रोल में दिखती है, लेकिन इसमें यहां पर वो एयरफोर्स ऑफिसर के रूप में बहुत अच्छी प्यारी दिख रही है, नॉन ग्लैमर, विदाउट एनी ग्लैमर। और साथ ही साथ जो करण सिंह ग्रोवर है उनका काम अच्छा लगेगा, अक्षय ओबेरॉय है फिल्म में। और एक जो सबसे बड़ी कास्टिंग है इस फिल्म की जो बहुत ही जबरदस्त है, वो है इस फिल्म का विलेन यानी कि खलनायक जो है सौरभ सुहाने, उनका काम आपको जबरदस्त लगने वाला है। हाइट, पर्सनालिटी, बंदे की बॉडी, एक आंख लाल रंग का, डायलॉग डिलीवरी का तरीका, ये सब कुछ आपको जो है बांधे रखता है। यानी कि कुल मिलाकर जो कलाकार है इस फिल्म के सभी अच्छे हैं। आशुतोष राणा का स्पेशल अपीयरेंस है, और देन इस फिल्म का म्यूजिक भी अच्छा है, BGM भी अच्छा है, एडिटिंग भी सही है, फिल्म की कहानी, डायलॉग, सब कुछ मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि टोटली ये फिल्म आपको बांधे रखने की कोशिश करती है। मैं इस फिल्म को देता हूं 4 out of 5, और मेरी तरफ से यह फिल्म आपको रिकमेंडेड है। आप जरूर देखें इस फिल्म को और एंजॉय करें, वरना यह फिल्म नेटफ्लिक्स में तो कुछ दिनों बाद आने ही वाली है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म को पहले ही बाय कर लिया है। वेल, अगर आपको मेरी यह रिव्यू अच्छी लगी तो प्लीज इस रिव्यू को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट, टॉपिक, रिव्यू या फिर अपडेट के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।